खन्ना दे विच रेल फाटक पार करदी लड़की अचानक रेल गड्डी थल्ले आ गई। शरीर दे हो गए अनगिनत टुकड़े, पहचान नहीं हो सकी। चश्मदीदा दा कहना है कि कन्ना चलाईयां होईयां सी टूटियां, जिन्हों आपां हैडफोन कहने आ। गाने सुनती जा रही सी, उन्हों गाने दे सुनन दे करके गड्डी दी आवाज़ सुनाई नहीं दित्ती, जिहदे करके वड्डा हादसा वापर गया। अजे तक लड़की की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच गए, लाश नूं अपने काबू च लै लिता गया है। की कहना है पुलिस के मौके उत्ते अधिकारियों का, वो दसते हैं। लेकिन अणगहली पै गई, बहुत सारी महंगी जानी पई लाश। ये सर मेरे को हुण शाम नूं करीब 5:15 बजे रेल ने मैनूं उतरा दित्ती सी। लुधियाणा साइड तो अंबाला साइड नूं गड्डी गुजरी है जी, 2380 असीं उहनूं कहिंदे आ, डाउन दे उत्ते। उहदे च उहनां ने दस्सिया सीगा वी लेडी इदां करके डाउन लाइन दे उत्ते कट के मर गई है। तो तुरंत समेत साथी कर्मचारी मेरे चौंकी रेलवे कन्ना तों जी मौके ते पुज्जिया। मौके पर पुज के देखा जी, जी लाश है एक लेडी की है, उम्र करीब हैगी 25-30 साल, वाल काले ने। तो बाकी जी बॉडी आ टोटल यदि गड्डी थले आना टोटल क्रैश हो चुकी है जी। तो शनाखत का कोई भी चिन्ह ये कोलों जी, कोई फोन वगैरह जां कोई गहना गट्टा जां कोई हथ लिखत नहीं मिली जी। मैं अपने सीनियर अफसर मौके तो सूचित करता जी, वह भी आ रहे हैं, तस्दीक करे। तस्दीक करने उपरंत मैं महकमा रेल में लिखती दे दूंगा जी, लाइन क्लीयर कर देंगे। तो डेड बॉडी 72 घंटे सिविल हस्पताल खन्ना रखवा देंगे जे शनाख्त नहीं होंगी। शनाख्त हो जाती है, शनाख्त पा के मैं डेड बॉडी वारसा के हवाले कर दाँगा जी, नहीं 72 घंटे सिविल हस्पताल खन्ना मोर्चरी रखवा देंगे। बनती कार्रवाई मैं अमल के लिया।